आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि आपके माध्यम से मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं को जिले के सभी बंधुओं से सब समाज के लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मैंने अपनी पुत्र वधु का मिर्जा शर्मा का नॉमिनेशन फार्म राजा खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह लेने के लिए दृष्टि से भरवाया है। उनसे सभी से अपील करता हूँ कभी सभी आकर के मेरी वहाँ पे मदद करें, राजा के राम मुझे जिताने का प्रयास करें। मुझे विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मेरे विरोधी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों में सभी जगह ब्राह्मणों को मिलवा बढ़ा करके इनको नुकसान पहुंचा जाए, जिससे कि अन्य बिरादरी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस बात से नाराज हो जाए कि ये तो सब जगह ब्राह्मण राज करना चाहते हैं, जिससे कि मेरे को नुकसान हो जाए। मैं ब्राह्मण वर्ग से सभी जिले के सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार का कोई प्रयास करता है तो उसको विफल करने के लिए उनको समझावें, प्रयास करें, बात करने की कोशिश करें कि मेरे को इस प्रकार का कदम नहीं उठाएं जिससे मेरे को नुकसान हो और चुनाव नहीं लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। नॉट ओनली बाड़ी मैं आपको बताऊँ, नॉट ओनली बाड़ी मैं तो सब कह रहा हूँ क्योंकि मेरा तजुर्बा है। 98 के चुनाव में बाड़ी से भी चुनाव ब्राह्मण लड़ा था, धौलपुर से भी चुनाव लड़ा था और राजा खेड़ा से भी ब्राह्मण चुनाव लड़ा था और उसका नुकसान नहीं हुआ, ऐसा हम तीन हारे। काय का तो मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ, कि सभी आप समझाओ उसका मेरे को नुकसान होगा। भाई सभी से अपील कर रहा हूँ तो उनको भी समझाने का प्रयास करें। वो तो राय खेड़ा में अगर कोई आता है तो अब जहाँ तक इनका सवाल है धौलपुर का, हमने तो उनको भी समझाने का प्रयास किया था आपको बता। लेकिन अच्छा मैं पार्टी के साथ जाऊंगा, अगर पार्टी का समर्थन मेरे को मिलता है तो पार्टी के साथ जाऊंगा। मैं पार्टी के साथ जाने पे अभी उन्होंने शिक्षा जी डॉक्टर साहब ने फार्म भरा था, मैंने पुत्र बधु को उनके नॉमिनेट फार्म में भरा, मैंने उनको भेजा था आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे ब्राह्मण वर्ग या अन्य समाज के लोगों में नुकसान मेरे को हो सकता है, इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पूरे जिले के लोगों को मैं एक साथ नहीं पहुंचा सकता हूँ। तो परसों लास्ट डेट है 6 तारीख, तो आपके माध्यम से रात को इसलिए प्रयास किया जिससे कि कोई ऐसा प्रकार का कोई उनका सफल नहीं हो जाए जिससे कि मेरे को नुकसान पहुंच सके।